अरिथमेटिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं. रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3 एंड बी एंड सी इज 2:5 और एवरेज एज दिया हुआ है. ठीक है, ए और बी का जो दिया हुआ है रेशियो एज का 2:3 है और बी और सी का दिया है 2:5. पहला काम तो है इसको बराबर कर लेना, ए इज टू बी इज टू सी, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15. तो ए बी और सी का रेशियो निकल गया 4, 6 एंड 15. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है हमको, एवरेज एज दिया है उनका 75 ईयर्स. तो एवरेज मतलब क्या होता है, 4x + 6x + 15x, 3 लोग हैं और एवरेज निकालना है तो नीचे 3 लिखेंगे और दिया हुआ है क्या है 75. ये सब जो लिखा है मैंने सब क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज. अब इसको ऐड कर देंगे, 15, 6 और 4 को टोटल करने से आता है हमारा 25x और ये 3 इस 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 225. अब x की वैल्यू निकल जाएगी, 25 से इसको काटेंगे, 25 9 ज़ा 225, x की वैल्यू निकल गई. अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, देन फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 4 ईयर्स. तो पहले बी का एज निकाल लेते हैं, ये रहा बी, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 होता है. पर ये तो अभी का एज है इसका, हमको इसका 4 साल के बाद का एज निकालना है तो प्लस 4 करेंगे तो 58 ईयर्स जो है आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. After 5 years, the ratio of the ages of P and Q will be 7:8. ठीक है, P और Q है, present age तो नहीं पता हम लोगों को, पर 5 साल के बाद का रेशियो दिया हुआ है 7:8. और क्या बोल रहा है, इफ़ P is 30 years old today, इस P का अभी present age दे दिया है 30 साल का है, तो हम रेशियो के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं पर इसके एज के साथ में कर सकते हैं. अभी ये 30 साल का है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा. तब हो गया हमारा, ये पी का जो 5 साल के बाद का रेशियो 7 है और उसका एज है 35, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 35 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5. अब ए क्यू का निकल जाएगा एज 5 साल बाद का, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 45. तो क्यू पी का 5 साल के बाद का ये 35 है और क्यू का 40 है. पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, क्यू का प्रेजेंट एज निकालना है. अभी तो 40 साल का है ये और प्रेजेंट निकालने के लिए 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो 40 में से 5 माइनस कर देंगे तो 35 का क्यों हो जाएगा, यही आंसर है क्वेश्चन में, यही पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है पर ये वाला आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा. पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 and 30 days रिस्पेक्टिवली. P and Q work alternately. B starts the work first. Find in how many days will they complete 66.66% of the work. तो पहले काम तो हम कर लेते हैं, जो करते हैं आग बंद करके LCM ले लेते हैं. P 10 दिन और ये 30 दिन काम कर रहा है, LCM इनका 30 हो जाएगा. Efficiency निकल गया इसका 3 और इसका आ गया 1. ठीक है, अब अल्टरनेटली डेज में काम कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किया हुआ है टाइम एंड वर्क के सीरीज़ में. बी स्टार्ट कर रहा है काम, जो पहले बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा, टोटल 3 और 1 4 हो गए. तो ये 4 यूनिट का काम इन लोग कब कम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं. 2 दिन कैसे, पहले दिन बी आएगा day 1, फिर उसके बाद ए आएगा day 2. बी का एफिशिएंसी है, सॉरी ये पी है, वो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है,
बी स्टार्ट द वर्क फर्स्ट, ये क्यों होगा, ये क्यों वर्क पहले स्टार्ट कर रहा है, ये क्यू है और ये पी है। पहले दिन क्यू आया, क्यू की एफिशिएंसी 1 है, दूसरे दिन पी आया, पी की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, 3 और 1 4 हो गए, और 2 दिन में 4 यूनिट का काम इनका कंप्लीट हो गया। हमको काम कराना कितना है, 30 कराना है। अगर 30 कराओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दे कंप्लीट 66.66% ऑफ द वर्क, तो उनको 30 वर्क टोटल नहीं कंप्लीट करना है, इसका 66.66% करना है, और 66.66% होता है हमारा 2/3, तो इसको काट दीजिए, यानी कि अब इसको सिर्फ 20 यूनिट टोटल वर्क है, 20 यूनिट का काम कराना है, जिसमें से 4 यूनिट तो हो चुका है, 2 दिन में उन करेंगे, और अब यहाँ पे हम लोगों को 4 का पहाड़ा पड़ना पड़ता है। अब 4 से 22 डायरेक्ट आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई बाय 5, 20 यूनिट्स हो जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 डेज। तो ये जो पूरा 20 यूनिट का काम है 10 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, और यही तो पूछा है क्वेश्चन में, तो आंसर ही आपका 10 डेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अ सेलर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव देयर कॉस्ट प्राइस बट अलाउज 25% डिस्काउंट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सीपी को हम 100 लेते हैं, 100 ले लेंगे। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, 40% अबव देयर कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है, जब अपने रेट को 40% अबव कर दिया है, मार्क बोला है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 40% ज़्यादा यानी कि 140%, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्या बोला है, बट अलाउज 25% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट, अब 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100% होता है, इसमें से 25% आप माइनस कर दोगे तो 75% में बेचेगा ये, तो अब 140 का 75% निकालेंगे, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से कट जाएगा, 4 दिया 12, 4 5 से 20, अब 35 को 3 से यानी कि 105, तो यहाँ पे आ जाएगा 105, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में जैसे बोला है, हम लोग अभी जस्ट वो कर रहे हैं, पहले तो सीपी 100 लेते हैं, 40% अबव कर दिया है वो मार्क प्राइस को, तो एमपी हो गया 140, फिर अब 140 में 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो आप 140 का 25% भी निकाल सकते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आएगी 140 से माइनस कर दो, या डायरेक्ट कर दो 140 में से 25 माइनस करके, यानी कि 75%, तो 105 डायरेक्ट आपका एसपी निकल आया। ये पहला स्टेप था, अब क्या करना है, हिज परसेंटेज प्रॉफिट वेन सोल्ड इन कैश इज, अब आपको प्रॉफिट निकालना है, 100 रुपये का चीज़ था, 105 रुपये में बेच रहा है, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, यानी कि 100 पे होता है, इनटू 100 परसेंटेज निकाल रहा है, तो 100 रहेगा ही, अब 100 कट जाएगा, 5% आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमें, इन वॉट टाइम रुपीज़ 72 बिकम्स 81 एट 6.14% पर एनम, ठीक है, अब ये पी और ए, मूलधन, मिश्रधन, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल 72 और ये बन गया 81, और अब इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा SI होता है, तो SI क्या हो गया, 9, 81 में से 72 माइनस करेंगे तो SI तो आपका 9 आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 9 ऊपर रहेगा, पी नीचे, 72 इंटू 100, 9 से 9 72 8 और 2 16 12.5%। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो हम लोगों ने रेट निकाले, ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हम लोगों ने 12.5% की रेट पे, 6.14% का वैल्यू पूछ रहा है ये, कि कितने टाइम में ये 6.14% हो जाएगा, 6.14% को हम क्या लिखते हैं, ये होता है 6.25%, और अब ये हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट निकला है 12.5%,
और ये बोल रहा है कि 6.25% यानी कि कितने बार में 12.5 बनेगा, कितने साल में ये बन जाएगा 12.5। तो अगर हम देखेंगे इसको, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 2 साल में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 ईयर्स आ जाएगी, यही आपका आंसर है। ईजी था ये क्वेश्चन, में कुछ भी नहीं था, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये 81 बन गया, अमाउंट बन गया, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल दिया माइनस करके। अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 9/72 × 100, तो ये 12.5 आपका ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया टोटल। अब क्वेश्चन में हमको 6.14% निकालने बोला है कि ये कितने साल में 12.5 बन जाएगा, तो 2 साल में बन जाएगा, यही आंसर है आपका। राम लेंड्स आउट अ सम टू सोहन एट 6% पर एनम SI रेट इन सच अ वे दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय 0.5% आफ्टर एंड ऑफ एवरी ईयर। कैलकुलेट लेंड सम इट इफ आफ्टर 4 ईयर्स रोहन रिसीव। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। तो प्रिंसिपल को तो हम 100 मान लेते हैं कि हम लोगों ने 100 रुपये उधार दिया है। अब ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 0.5% हर साल बढ़ रहा है, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो पहले तो 6 लिखेंगे यहाँ पे। 0.5% बढ़ा, 6 + 0.5 = 6.5। अब इसमें 0.5 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, इसमें 0.5 ऐड करेंगे 7.5 आएगा। 4 साल तक बोला है, आफ्टर 4 ईयर्स 1080 उसको मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में। तो अब इनका पूरा टोटल कर देंगे हम लोग, तो SI का परसेंटेज जो आएगा 5 × 5 = 10, 27 आ रहा है SI, 27%। ठीक है, और इस 27% की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है 1080। कुछ नहीं करना है, अब हमको PE निकालना है, कितना अमाउंट उसने उधार दिया। वो को अपने 100 लिया था, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 × 1080/27। अभी डायरेक्ट कट जाएगा 27 से 4 बार में, तो आंसर आ जाएगा आपका मूलधन 4000, ये आपका आंसर है।